नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबर। घनसौर, सिवनी के घनसौर में आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने किसान अध्यादेश के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों का कहना है कि किसान अध्यादेश किसानों के हितों में नहीं अपितु बड़े व्यवसायियों के हितों में है। इस अध्यादेश से किसानों में भारी आक्रोश है, जिसका गोंडवाना गणतंत्र पार्टी विरोध कर रही है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा लाई गई नई कृषि नीति के खिलाफ पहले ही प्रदेश की मंडियों में कामकाज बंद कर अधिकारियों कर्मचारियों ने आंदोलन शुरू कर रखा है। ऐसे में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का अध्यादेश के खिलाफ में आना कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण संदेश है। जानकार इसे उपचुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं। वहीं मंडियों में काम बंद होने से किसान, व्यापारी व हम्माल सहित कई लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भाजपा सरकार से नया कृषि अध्यादेश वापस लेने की मांग की है। कर्मचारी संघ हमारी मांगे पूरी करो। देखिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो आज का जो विषय है वो केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार आज हम लोग जो कृषि कानून जो केंद्र सरकार के द्वारा लेके आया गया उसको हम काला कानून कहते हैं, और उस दौरान जो 11 सूत्री मांगों को लेकर आज का जो प्रदर्शन रहा उसमें आपका प्रश्न ये है कि जो दारू से संबंधित, क्योंकि मुक्ति के विरोध में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हमेशा आवाज़ उठाती रही है, और जिस तरीके से अवैध शराब 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में, चूँकि घनसौर ब्लॉक 5th शेड्यूल का ब्लॉक है और वहाँ पर अवैध तरीके से जो शराब या ड्रग्स का जो धंधा कराया जा रहा है एजेंट बनाकर, उसका हम विरोध करते हैं। विधिवत तरीके से जो शराब जो ठेके हैं वो अनलीगल तरीके से चलाया जा रहा है। ठेका एक जगह का है और पूरे घनसौर में गांव-गांव शराब बेचा जा रहा है। देखिए, आपने मुझे किसान की पीड़ा या किसान की स्थिति पर क्रोध दिया है, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैं एक शिक्षित किसान हूँ, सक्षम किसान हूँ, पूरे नियमावली से अवगत किसान हूँ, और वर्तमान स्थिति परिस्थिति से मुझे ये महसूस हो रहा है कि देश में एक तरफ व्यापारी हैं और एक तरफ किसान है। सत्ता में बैठे अभी कल तक मोदी जी महाराज जो अकबर के बाद बैठते बैठते आज दिल्ली की हुकूमत में बैठे हैं, पहले अंग्रेज बैठे थे, मुगल बैठे थे, अन्य अन्य जो जो बैठते आए, फिर सोनिया जी की सरकार बैठती आई और उसी तख्त में आज मोदी जी जो बैठे हैं, जैसे वो किसानों को चूसते आए हैं मुगल लोग, वैसे ही अंग्रेजों ने चूसा, वैसे ही धुर बनाया कांग्रेसियों ने, और आज ये मोदी सरकार वही काम कर रही है। यहाँ राम मंदिर बना के मंदिर अंदर में उलझा के और ये पूरा व्यापारीकरण करने में उतारू हो गए। जिस प्रकार, जैसे आप पत्रकार बंधु अधिकांश किसानों से वर्ग से नहीं हो सकोगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, आप इतना तो समझ सकते हैं जिस तरीके से हमारे स्टेशंस को, रेलवे स्टेशंस को, 100 स्टेशन को उन्हें निजीकरण किया, उसकी डंस तो जान रहे हो ना, 3 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट 50 में बिक रहा है, ये तो समझ रहे हो ना बहुत अच्छे से। अब वहाँ जो ठेकेदार है वही अपॉइंटमेंट करेगा, रोजगार वही देगा, वो तो आप समझ रहे हो ना, जो पहले यूनियन बन के दबा लेते थे, अपनी हक की मांग कर लेते थे कर्मचारी, वो अब नहीं कर पाएंगे। अब ये तो समझ रहे हो ना कि रेलवे स्टेशनों में एक व्यापारी की, एक दबंग ठेकेदार की व्यवस्था चलेगी और सबको मानना पड़ेगा। ऐसे ही कृषि बिल लाकर व्यापारियों के चरणों के अंदर किसानों की वही रख दी गई है। हम कितने भी सक्षम रहे, हम कितने भी पढ़े लिखे रहे, लेकिन हमारी वैसे भी आधी नहीं चलती थी, हमारे गल्ले का रेट न्यूनतम रेट सरकार तय करती थी उसके पहले भी, अब 100% तय करेंगे, बोएंगे काटेंगे भी हम लोग उसी के हिसाब से। तो अगर ये अध्यादेश बिल आ जाता है तो मैं तो आप कारण है जो हड़ताल पे हैं हम आज दिनांक 25 तारीख से, अभी पिछले 3 तारीख को भोपाल में हड़ताल किए थे, जिसमें हमारी जो मांगे हैं सर कि हमारी जो वेतन भत्ते हैं वो राज्य शासन उसकी व्यवस्था बनाए, तो मंत्री जी के द्वारा जो है आश्वासन दिया गया था कि हम 15 दिन के अंदर
आप लोगों की मांगे जो भी हैं वो पूरी करेंगे, लेकिन आज दिनांक तक हमारी कोई भी मांगे पूरी नहीं की गई हैं, ना कोई आदेश जारी किया गया है। तो कृषि उपज मंडी घनसौर के समस्त कर्मचारी एवं अधिकारियों के द्वारा आज दिनांक से हम फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम ये हड़ताल पे रहेंगे। खबर समाज जगत के लिए घनसौर से रघुवीर सोनी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.